welcome to the day 20. Day 20, finally, you are here. 40 दिन के सीरीज में आप मिडल में पहुंच चुके हैं, डे 20. एंड मैं आपको सच बताऊं, जो इनसेन प्रोडक्टिविटी का दिस इज द फाइनल वीडियो. दिस इज द फाइनल वीडियो कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे. एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रिजल्ट्स बढ़ेंगे, तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा. सो अब आपकी फाइनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं. अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अल्टीमेटली आपकी लाइफ का जो हीरो है वो आप खुद है. मेरी नजरों में यू आर द हीरो. एंड अब इस वीडियो के बाद आप भी अपनी नजरों में हीरो बनने वाले हैं. अच्छा, एक हीरो का क्या काम होता है? पूरी मूवी एक हीरो के अराउंड घूमती रहती है, क्योंकि सब कुछ करना उसे ही होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ही करनी होती है. जो सारे बड़े काम होते हैं वो उसे करने होते हैं. तो अगर आपको अपनी जिंदगी में हीरो बनना है, अपनी वर्क लाइफ में हीरो बनना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हीरो बनना है, अपनी पर्सनल लाइफ में हीरो बनना है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी. आपको वो लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी. बिकॉज अगर आपको हीरो बनना है, आपको टाइटल चाहिए हीरो वाला, तो अब हीरो की तरह काम भी करना पड़ेगा. अब बहुत सारे लोग पूछते हैं, आई एम टेलिंग यू दिस ऑनेस्टली, व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस. अब मैंने भी बहुत बार बोला होगा, दिस इज द सीक्रेट टू सक्सेस, दिस इज द सीक्रेट टू सक्सेस. मैं आपको दिल से बताऊं, विच आई हैव फेल्ड सो फार, शायद सक्सेसफुल होने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. वो ये है कि सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अब सच्चाई तो यही है, आप मानो या ना मानो, कामयाब बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. यू विल हैव टू पुट फ्रीकिंग हार्ड वर्क, पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं. मैं कुछ काम कर रहा होता हूं और उस काम को करते हुए जब मैं मेहनत कर रहा होता हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट आई हैव टू डू इट. अगर दिन में 10 काम होते हैं, आई हैव टू डू इट. जब मेरा जो मेरा सिनेमेटोग्राफर है मुझे फोन करके बोलता है, सर स्टूडियो पहुंच चुका हूं, आपको अभी पहुंचना है, वो भी एक मेहनत है मेरे लिए. आई हैव टू गो, आई हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर यू. सी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, देर इज नो ऑल्टरनेटिव, कोई है ही नहीं. सीक्रेट क्या होता है जो मुझे नहीं पता आपको पता है, या आपको नहीं पता मुझे पता, किसी से छुपा हुआ है, वो सीक्रेट होता है ना. तो लोग ये समझना ही नहीं चाहते. लोग, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आके बोलता है, दिस इज द सीक्रेट टू सक्सेस, परफेक्ट, ब्रावो, क्योंकि ये मुझे आज तक नहीं पता था, मुझे पता लग गया, हाँ सीक्रेट है. बट सक्सेस का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये है, जो लोग मानना नहीं चाहते, कि सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है. इफ आई एम ऑन दिस स्टेज टुडे, मुझे पता है कि मैंने उसे मेहनत करी है, आई एम हियर. हाँ, मैंने उस प्रोसेस को बहुत एंजॉय किया, मैंने रिजल्ट को, फाइनल रिजल्ट, आई एम सक्सेसफुल टुडे, आई एंजॉय माई लाइफ, परफेक्ट. बट मेहनत करनी पड़ती है. अगर आप मेहनत से पीछे भाग रहे हैं और आप सोच रहे हैं, ये जो इंसान सामने है, ध्यान से देखिए इस आदमी को, मुझे, हाँ मुझे ये इंसान मुझे कामयाब बना देगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, हाँ बना सकता हूं, मोटिवेट कर सकता हूं, करना आप ही को है. मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी. यू आर द हीरो, आई एम नॉट द हीरो, यू आर द हीरो, नोबडी एल्स इज द हीरो. नरेंद्र मोदी इज द हीरो फॉर द नेशन, एंटायर कंट्री, परफेक्ट. बट आपकी जिंदगी बदलने के लिए हु इज द हीरो? नरेंद्र मोदी? नो, यू आर द हीरो, आप ही हो, आप ही को करना है. ये बात जितनी जल्दी हम सीख लें कि कामयाब बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पहले तो इसे अपना लो. एक मेरे मेंटोर थे, उन्होंने एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दी मुझे, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट. एक इवेंट को लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था. उन्होंने मुझे बोला कि पुष्कर एक बात बताओ, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? मैंने बोला, सर बुरे से बुरा तो ये हो सकता है, दिस कैन बी द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, परफेक्ट. उन्होंने बोला, एक बार को मान लो कि यही हो गया, एक बार को मान लो कि ये बुरे से बुरा जो होना था ये हो गया. मैं परेशान हो रहा था एक चीज को सोचते हुए, और बुरे से बुरा क्या हो सकता है, वो हो गया. एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट नाउ, एक्सेप्ट इट, आपको करना पड़ेगा, हो गया, अब तो हो गया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, रिवाइंड वाला ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्ट इट. हाउ यू फीलिंग? मैंने कहा, अगर सर हो ही गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा.
तो मैंने ये वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को जब एक्सेप्ट कर लिया, तो उन्होंने ये बोला कि अब जो होगा अगर इतना बुरा नहीं हुआ तो इससे अच्छा होगा, मतलब जो वर्स्ट था अगर उससे अच्छा हुआ या उससे कम बुरा हुआ तो अच्छा ही तो हुआ। तो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को एक्सेप्ट करके यू डू द थिंग, अपना काम करो, बस एक्सेप्ट कर लो दिमाग में, आज सबसे बुरा ये हो सकता है कि आपको कामयाब बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। द ओनली थिंग यू नीड टू बी सक्सेसफुल इज द हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ती है, हाँ राइट डायरेक्शन में। ये रिक्शे वाली मेहनत नहीं है कि हमें कोई रिक्शे वाले की तरह मेहनत करनी है, राइट डायरेक्शन में। डायरेक्शन मिली तो काम करना पड़ेगा, काम से पीछे नहीं हट सकते आप। वट एवर वर्क यू हैव टूडे, अगर आप कामयाबी इसे लेते हैं कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए या मेरा किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, या आप पढ़ाई में अच्छा बनना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, दैट इज द वर्क, हार्ड वर्क चाहिए, देयर इज नो सीक्रेट, कोई भी जादू नहीं होता, यहां पे मेहनत करनी पड़ती है। हां कंपाउंडिंग होगी ये कंफर्म है, कंपाउंडिंग इफेक्ट वाली वीडियो देखी नहीं, देखी आपने अभी डे 18 कंपाउंडिंग इफेक्ट, नहीं देखी तो देख लो, बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें समझ आ जाएगा कि हाँ हार्ड वर्क पेज ऑफ, बट डी एस हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सेकेंड, आप जो भी करते हैं डू इट एज अ मास्टरपीस। अभी इसके ऊपर ना एक बहुत पावरफुल स्टोरी है, मुझे आज तक याद है जब मैंने सुनी थी पहली बार। देयर वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एक देश का राष्ट्रपति, एक बार उसने सोचा कि मैं अपना ना जो देश है उसे जाके देखूंगा, देखूंगा कि वहां पे सुबह शाम क्या होता है। तो वो सुबह सुबह सैर पे निकल गए अपने कंट्री में, एक शहर के अंदर वो सैर पे निकल गए। अच्छा, ऐसे कोई राष्ट्रपति सड़क पे घूम रहा हो तो उसे कोई पहचान नहीं पाएगा कि राष्ट्रपति है। तो वो सुबह सुबह जब देखते हैं अपने 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 देश को देखते हैं, एक देश के एक छोटे से शहर में वो होते हैं, वो देख रहे होते हैं, तो उस छोटे से शहर में वो सुबह सुबह क्या देखते हैं कि एक सफाई करने वाला सफाई कर रहा होता है। सुबह सुबह एक वर्कर सफाई कर रहा होता है, वो झाड़ू मार रहा होता है सड़क पे, और उस सड़क पे और कोई नहीं होता, सिर्फ वो झाड़ू मार रहा है। अच्छा, वो देखते हैं बड़े ध्यान से, उनका फोकस होता है इस तरफ कि वो जो झाड़ू कर रहा है वो बहुत अच्छे से कर रहा है, वो थोड़ी थोड़ी भी अगर गंदगी बच रही है साइड में तो उसे भी निकाल रहा है, एक एक पत्ता भी अगर साइड में फंसा है तो उसे भी निकालता हुआ चल रहा है, और बहुत अच्छे से झाड़ू मार रहा है रोड पे, बहुत नीटली, बहुत क्लीन तरीके से वो अपना काम करता जा रहा है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है बट कर रहा है। अच्छा, वो खड़े होकर बस देख रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, एक बात बता, तू पागल है? वो राष्ट्रपति बोलते हैं उसे, तू पागल है? यहां पे सारे लोग फटाफट अपना काम फिनिश करते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं, और तू इतना ज्यादा टाइम लगा रहा है, मैं देख रहा हूं 15 मिनट से सिर्फ यहां से लेके वहीं तक का तूने क्लीन किया, इतना टाइम लगाएगा तो पूरी सड़कें कैसे क्लीन होंगी? ये वो उसे चेक करने के लिए बोलते हैं ऐसा। तो वो जो वर्कर होता है वो रिप्लाई करता है, सर मैं कोई भी काम करता हूं ना ऐसे ही करता हूं। तो कहता, तू बेवकूफ है, इतना टाइम क्यों लगा रहा है, इतनी सफाई करने की क्या जरूरत है? तो बोलते हैं, सर मैं जो ये करता हूं ना, मैं ये काम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करता हूं, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूं। वो बोलता है, क्योंकि सर मैं सफाई कर रहा हूं तो बेस्ट होनी चाहिए। फिर वो बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या? वो वर्कर बोलता है, सर जब मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं सफाई कर रहा हूं ना, तो मैं ये सोच के करता हूं कि अगर ऊपर वाला देख रहा है ना मुझे, अगर ऊपर फरिश्ते देख रहे हैं ना मुझे, और वो इस दुनिया पे उतरना चाहते हैं, अगर ऊपर वाला इस दुनिया में आना चाहता है तो वो दुनिया में कहीं आए ना आए इस सड़क पर जरूर आए, और वो देखिए सड़क पूरी दुनिया की सबसे साफ सड़क है, वो फरिश्ते उतरे तो इस सड़क पे उतरे कि दुनिया की सबसे नीट एंड क्लीन सड़क है। मैं अपने लिए ये काम कर रहा हूं, मैं ऊपर वाले के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने किया है वो बेस्ट होना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं ना, सिर्फ काम को फिनिश करने के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ काम करने के लिए काम कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि मैंने ऐसा किया है। सी, अगर आप एक अकाउंटेंट है ना, तो इस तरीके से काम करो, डू इट एज अ मास्टरपीस, कि बोले कि ये उस इंसान ने किया है, गलती नहीं हो सकती। कैलकुलेटर में एक बार को गलती हो सकती है, बट उस इंसान की कैलकुलेशन में गलती नहीं हो सकती। व्हाटएवर यू डू, डू इट एज अ मास्टरपीस। माय वर्क इज, सी इफ आई एम डिलीवरिंग यू दिस नॉलेज, आई हैव टू डू इट इन बेस्ट पॉसिबल मैनर।
कि अगर ऊपर वाला भी देख रहा हो ना मुझे इस वक्त, तो वो ये देखे कि हाँ जो मैं दे सकता हूं आपको वो बेस्ट पॉसिबल वे में दे रहा हूं, और अगर आप ले रहे हैं इस वक्त तो बेस्ट पॉसिबल वे में लें, डिस्ट्रैक्ट होते हुए मत लेना। एंड व्हाट एवर यू डू, जो भी आप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, डू इट एज अ मास्टरपीस, कि पढ़ाई करिए तो इस इंसान ने करी है, कुछ भी पूछ लो सब आता है। आप कोई काम कर रहे हैं तो इस तरीके से करें कि वहां पे ये हो कि इस इंसान ने किया है। आई वॉन्ट यू टू मेक दैट पर्सन, मैं आपको ऐसा इंसान बनाना चाहता हूं कि व्हाट एवर यू डू यू बिकम द मास्टर ऑफ योर फील्ड, एंड व्हाट एवर यू डू डू इट एज अ मास्टरपीस। एक बार करो। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक बिल्डिंग है मेरे पास तो मुझे उसे पेंट कराना था, तो मैंने कुछ पेंटर्स को बुलाया, एक पेंटर आया उसने वहां पे बताया, दूसरा पेंटर आया उसने बताया कि सर ऐसे होगा, तो मैंने उसे बोला, जो दूसरे नंबर पे जो इंसान आया मैंने बोला, जो पहले वाला आया तो वो तो इतने पैसे मांग रहा था और तुम बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो। तो उसने मुझे एक बात सिखाई, देखो हम किसी से भी सीख सकते हैं, उसने मुझे एक डायलॉग बोला मुझे आज तक याद है, उसने बोला सर मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है और जो मैं करता हूं अच्छे से करता हूं, बट मुझे पता है कि अनाड़ी का काम दो बार करना पड़ता है। उसने डायलॉग बोला कि सर अनाड़ी का काम दो बार करना पड़ता है, मैं जो करता हूं मैं अच्छे से करता हूं, मुझे नहीं पता वो कैसे करता है, बट सर अनाड़ी का काम दो बार करना पड़ता है, जो इंसान अनस्किल्ड होता है, जो अच्छा काम नहीं करता, उसका काम दो बार करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली कोई कम पैसे बता रहा था, मैंने उसे बोला कि चलो तुम कर दो। अब उसने जो वॉल्स पे पेंट किया उसने जल्दबाजी में किया, फिनिशिंग नहीं आई और मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अल्टीमेटली मुझे पैसे तो उसे देने पड़े जितने उसने मांगे थे, बट मुझे फिर एक और इंसान को बुला के जो उसने कमियां छोड़ दी थी वो ठीक करानी पड़ी, और जो कमी ठीक करने वाला आया उसने बताया कि इसने इस तरीके से काम किया, देखिए यहाँ पे बबल्स हैं, यहाँ पे ये है, उसने जो भी बताया, तो मुझे ये बात समझ आ गई कि अनाड़ी का काम दो बार करना पड़ता है। आप कुछ भी करें उसे सीख के करें, ढंग से करें, एक बार करें, पर डू इट एट वंस, एक बार में अच्छा होना चाहिए। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट इसलिए कहते हैं, एक बार में ही गिव्स अ मास्टरपीस। आर यू अ मास्टर ऑफ योर फील्ड? क्या आप एक बार में ऐसा करते हैं या इस तरीके से करते हैं सिर्फ काम करने के लिए काम कर रहा हूं? सी, आप कुछ भी करो अपनी पहचान बनाओ विद योर वर्क, विद योर वर्क एथिक। वहां पे अनाड़ी की तरह नहीं कि दो बार करना पड़े, एक बार में परफेक्ट होना चाहिए, टाइम लो बट दो ऐसा कि मजा आ जाए। और क्योंकि जो लोग अपनी फील्ड में अच्छे होते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। वो जो दूसरा पेंटर आया था वो ज्यादा पैसे मांग रहा था, वो ठीक था क्योंकि अल्टीमेटली वो एक बार में अच्छा काम करता। आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, परफेक्ट, व्हाटएवर यू डू, डू इट एज ए मास्टरपीस। फाइनली, आप जो भी ये सीख रहे हैं ना, इसे एग्जीक्यूट आपको करना है। आई टोल्ड यू, यू आर द हीरो, कमांड आपके हाथ में है। लीडरशिप लेना शुरू करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो, अपनी लाइफ को मूव करने की जो पावर है वो आपके हाथ में है, एग्जीक्यूशन आपके हाथ में है। इंटेलिजेंस मैटर नहीं करता, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग एक्शन जल्दी नहीं लेते, सोचते रह जाते हैं, ठीक है गलत है, ठीक है गलत है। रोड पे अभी, डोंट बी ऑफेंसिव, जस्ट एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अभी एक मैंने स्टार्ट देखे कि रोड एक्सीडेंट्स में जो डॉग है वो ज्यादा मरते हैं, बिल्लियां कम मरती हैं, क्योंकि बिल्ली को निकलना होता है वो निकल जाती है फटाफट, एक बार में मूव, निकलना है भाग के। जो डॉग होता है वो सोचता है मैं जाऊं मैं ना जाऊं, मैं जाऊं मैं ना जाऊं, कभी कभी कार आ रही होती है बीच रोड पे खड़ा हो जाता, जाता ही नहीं है, क्या खत्म। एग्जीक्यूशन, आप सोचते रह जाएंगे तो काम नहीं होगा, इंप्लीमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे। एंड हमें पता है कि फेलियर तो कुछ अल्टीमेट एंड है ही नहीं ना, वो तो प्रोसेस का पार्ट है। क्विटर होता है, जो गलत इंसान होता है वो क्विटर होता है क्योंकि उसने हार मान ली। फेलियर तो ठीक है, मैं फेल हो गया अब दोबारा करूंगा, तो कुछ सीख के निकला ना, इंप्लीमेंट करो बड़ी जल्दी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम बड़े बिना सोचे समझे इंप्लीमेंट कर देते हो, एक्शन ले लेते हो। होता क्या, जब मैं ऐसा करता हूं तो या तो वो चीज हो जाती है, मुझे कुछ सीखने को मिलता है, पर जहां मैं था वहां से आगे बढ़ जाता हूं। क्या आप जहां हो उससे आगे बढ़ रहे हो? आप तब बढ़ोगे जो आप इंप्लीमेंट करोगे। आज डे 20 पे हो, 20 दिन की इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट कर दो, जिंदगी बदलेगी नहीं, पलटियां आएगी।
I'm telling you this today. Because ये सारी information एक बार में लगातार मिलना, it's a big thing. It's a big thing. I'm telling you, it's a big thing. नहीं मिलती. You are getting it. And you are the hero. आपको super powers ऐसे ही तो मिलेंगी, और कैसे मिलेंगी? See, मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको आपका true potential realize करा पाऊँ. कि yes, you can do it. Just not by motivating. हाँ हाँ आप कर सकते हो, हाँ करोगे, पक्का होगा. No, I have to educate you also. I am doing it. मैं अपना काम कर रहा हूँ. Are you doing your work? आपका काम है वो करना, जिस चीज के लिए आप बने हो उसे अच्छे से करो. You be successful. That is your work. आपका वो काम है. You do your job. I am doing my job. दोनों साथ में मिलके करते हैं ना, we'll build a better society. हम एक powerful society create कर देंगे साथ में मिलके. We'll do it together. I'm with you always, don't worry. Finally, do not play the blame game. मैंने बहुत बार देखा है लोग blame game खेलते हैं. ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये नहीं था, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो गलत था, वो नहीं आया, वो नहीं प्रेजिडेंट था, ये चीज थी नहीं इसलिए नहीं हो पाया. No, accept it. नहीं हुआ, हाँ मेरी गलती थी. Accept it. नहीं भी थी, कम भी थी, okay, that was a mistake, I'll improve. खत्म करो बात को. ब्लेम गेम खेलना मत शुरू करो. जो सबसे बुरी चीज आप कर सकते हो ना अपने रिलेशंस खराब करने के लिए, अपना इंप्रेशन खराब करने के लिए, वो है कंप्लेंट करना. जो कंप्लेंट करता है वो विक्टिम होता है. लीडर्स कंप्लेंट नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द हीरो. हीरो कंप्लेंट नहीं करता, उसने बहुत बुरी तरह मारा मुझे, ऐसा बोलता कभी हीरो? नो, नेवर. ही इज नॉट अ विक्टिम मैन, ही इज अ हीरो. हो गया, लग गई, दोबारा करेंगे ना, चैंपियन बनना है ना. लेट्स डू इट. डोंट प्ले द ब्लेम गेम. उसकी वजह से ऐसा हुआ? नो. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जब चीज फेल हो जाए. जब फेल हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. जब कामयाब हो जाओ तो दूसरों को दे दो, दे दो कि हाँ इनकी वजह से हुआ है. आप फेल हो जाओ किसी चीज पे, ओके मेरी गलती थी. आप कामयाब हो जाओ, दूसरों को बोलो कि इसकी वजह से इसने मेरी हेल्प करी, इसने मेरी मदद करी, ये मेरे साथ था. वहां पे लोगों को अच्छा लगेगा. डू नॉट प्ले द ब्लेम गेम. फाइनली, गॉट इट? यू आर द हीरो. अंडरस्टैंड इट, यू आर अ हीरो मैन. फाइनली, डिसिप्लिन. यहां पे एग्जीक्यूशन में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. करना है तो करना है, ये डिसिप्लिन है. स्कूल्स में सबसे अच्छी चीज जो सिखाई जाती है वो होती है डिसिप्लिन. मैं पढ़ाई की बात नहीं करूंगा. डिसिप्लिन इज समथिंग जो हम स्कूल में सीखते हैं. वो डिसिप्लिन नहीं जाना चाहिए लाइफ में. सुबह जल्दी उठने का डिसिप्लिन, करने का डिसिप्लिन. करना है तो करना है, होगा तो होगा. डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन में नहीं आते तो फिर लाइफ खराब होनी शुरू हो जाएगी. जो हीरो होते हैं वो डिसिप्लिन में होते हैं. वो अपना डिसिप्लिन खुद मेंटेन करके रखते. So you are the hero. आप हीरो हो. And now आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. मुझे तो नहीं प्रूव करने की जरूरत. For me you are the hero. I appreciate you. You are the hero. But just जो काम है हीरो वाले वो आप करना शुरू कर दो. कोई डाउट नहीं है मुझे, you are the hero. So finally, if you are the hero, जो 20 दिन में सीखा है उसे implement कर दो. कामयाब होना शुरू हो जाओगे. और कामयाब हो गए तो जो मेरा पर्पस है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा. अब कल फ्रॉम द डे 21 वी आर स्टार्टिंग अ होल न्यू फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज लीडरशिप. अब लीडरशिप आप एक दिन में सीख जाएंगे, बहुत बड़ी बात है. एक दिन में सारी लीडरशिप स्किल्स आ जाएंगी, बहुत बड़ी बात है नहीं. बट जो सीखेंगे उसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे. सो मैं आपको इतना बता रहा हूं कि लीडरशिप ले आए तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इस दुनिया को लीडर्स चाहिए. हर फील्ड में लीडर्स चाहिए. विल लर्न दैट टुमारो मॉर्निंग 6 AM शार्प. सो यू इंप्लीमेंट दिस नॉलेज, शेयर दिस वीडियो. नॉलेज बढ़ती है ना, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि योर नॉलेज विल मल्टीप्लाई बाय शेयरिंग. जो सीखते हो शेयर किया करो, कलीग्स के साथ डिस्कस किया करो, पता तो लगे कुछ नया हो रहा आपकी जिंदगी में. आपकी जो नॉलेज है वो दिखनी चाहिए आपके एग्जीक्यूशन से. कहां से? एग्जीक्यूशन से कुछ कर रहे हो. सो ऑल माय हीरोज, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग 6 AM शार्प. टिल द टाइम,
गो सेल्फ।